नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राजे। अहम खबर के साथ करेंगे शुरुआत। हमास और हिजबुल्ला के बाद अब हूती ने भी इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जानकारी आप तक जरूर पहुँचा दे की हूती विद्रोहियों के एक कार्गो जहाज को कब्जे में लेने से इसराइल के प्रधानमंत्री आग बबूला हो गए। नेतन्याहू ने इसे ईरान की ओर से इंटरनेशनल जहाज पर हमला बता दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों ने खुला ऐलान कर दिया कि इसराइल का कोई भी जहाज, जी हां कोई भी जहाज लाल सागर से गुजरा तो उस पर हमला जरूर किया जाएगा। विद्रोहियों की सबसे बड़ी हिमाकत लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक। भारत आ रहे जहाज पर हूती का कब्जा। तुर्की से भारत जा रहे एक मालवाहक जहाज को यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस जहाज पर अलग अलग देशों के करीब 25 क्रू मेंबर सवार थे। इसराइल का कहना है कि हूती विद्रोहियों ने जिस जहाज को हाईजैक किया है वो मालवाहक जहाज भारत की ओर जा रहा था। इसराइल के मुताबिक जहाज पर 25 क्रू मेंबर्स थे जो यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मैक्सिको जैसे देशों के नागरिक हैं। अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हूती विद्रोहियों ने गैलेक्सी लीडरशिप नाम के जहाज को हेलीकॉप्टर के जरिए कब्जे में लिया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाज को हाईजैक करने का ऐलान किया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि जहाज को लाल सागर से यमन के बंदरगाह तक ले जाया गया है। हूती के मुताबिक वो उन सभी जहाजों को निशाना बनाने वाला है जो इसराइल से ऑपरेट होते हैं या फिर जिन पर इसराइल का झंडा लगा हुआ है। हूती ने ऐसे जहाजों पर काम कर रहे अन्य देशों के नागरिकों को नौकरी छोड़ने की धमकी भी दी है। गैलेक्सी लीडरशिप जहाज हाईजैक होने के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इसराइल इस वक्त हमास और हिजबुल्ला के साथ हूती मतलब एक साथ तीन मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। जहाज को कब्जे में लेने से इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने इसे ईरान की ओर से इंटरनेशनल जहाज पर हमला बताया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ब्रिटेन के मालवाहक जहाज जिसे जापान ऑपरेट करता है उसे ईरान के समर्थन वाले यमन के हूती विद्रोहियों ने कब्जे में ले लिया है। जहाज पर एक भी इसराइली नागरिक नहीं था। नेतन्याहू ने इसे ईरान का आतंकी कदम बताया है। नेतन्याहू का कहना है कि यह कदम ग्लोबल शिपिंग रूट्स की सुरक्षा को प्रभावित करता है। हालांकि यमन में अंसारुल्ला मूवमेंट के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कुछ दिन पहले ही इसराइल को चेतावनी दी थी कि लाल सागर से गुजरने वाले हर उस जहाज को निशाना बनाया जाएगा जिस पर इसराइल का झंडा लगा होगा, और अब उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। हालांकि इसराइल ने साफ कर दिया है कि ये जहाज उसका नहीं है और ना ही उसमें कोई इसराइल का नागरिक सवार है। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने मुस्लिम देशों से इसराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्ला अली खामनेई ने कुछ वक्त के लिए मुस्लिम देशों से इसराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की है। पिछले हफ्ते मुस्लिम देशों के गठबंधन OIC की बैठक में इसराइल पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद अब ईरान के सर्वोच्च नेता ने इसराइल से राजनीतिक संबंध तोड़ने की बात कही है। मतलब अब इसराइल और हमास का युद्ध सिर्फ इसराइल और हमास का नहीं है बल्कि ये युद्ध अब पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुका है। इसराइल इस वक्त एक साथ तीन मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इसराइल को यमन में सक्रिय हूती विद्रोही गुस्सा दिला रहे हैं और इसराइल भी अपने इरादे जाहिर कर चुका है कि वो हूती विद्रोहियों को सबक सिखा सकता है, क्योंकि भले ही यमन और इसराइल बॉर्डर शेयर ना करते हो लेकिन वो लाल सागर के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। यमन उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में लाल सागर से घिरा है और अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर अरब सागर में एंट्री का रास्ता खोलता है और हूती यहीं से इसराइल पर हमले कर रहा है।
यहीं पर इसराइल का एक छोटा सा कोना लाल सागर से लगता है, जहां इसराइल का एलर्ट शहर बसा है, जिस पर हमास और इसराइल की जंग शुरू होने के बाद यमन के हूथी लड़ाकों ने कई बार मिसाइलें दागी, जिन्हें कभी इसराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया तो कभी लाल सागर में तैनात अमेरिका के जंगी जहाजों ने पस्त कर दिया। लेकिन अब एक विदेशी मालवाहक जहाज को हाईजैक करके यमन ने इसराइल के अलावा आधी दुनिया से पंगा ले लिया है। गाजा में हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच इजरायल की सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। गाजा के जिला शिफा अस्पताल को लेकर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और इजरायल की सेना को उसी अल शिफा अस्पताल से कुछ ऐसा सुराग मिला है जिसने इजरायल के दावे को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है। अस्पताल में जिस टनल का दावा इजरायल पहले दिन से कर रहा था, अब वो टनल दुनिया के सामने है। हमास के सबसे बड़े अड्डे पर IDF का कंट्रोल। अल शिफा अस्पताल में मिली हमास की सुरंग। गाजा में सच साबित हुआ इजराइल का दावा। इजराइल के कंट्रोल में हमास का सबसे सुरक्षित ठिकाना, जो बात इजराइल पहले दिन से कह रहा था, जो दावा इजराइल की सेना की तरफ से बार बार किया जा रहा था, वो दावा न केवल सच साबित हुआ बल्कि उस दावे को सच साबित करने वाली तस्वीरें भी दुनिया के सामने आ गईं। हमास के आतंकवादियों ने कैसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अस्पताल को ढाल बनाया, कैसे अस्पताल की आड़ लेकर दुनिया में इजराइल को बदनाम करने की कोशिश की, इसका सबसे बड़ा सबूत आपके सामने है। गाजा के अल शिफा अस्पताल में मौजूद ये वही टनल है जिसका इस्तेमाल हमास के लड़ाके खुद को इजराइल के हमलों से बचाने के लिए करते थे। गाजा के अल शिफा अस्पताल में इजराइल की सेना ने तलाशी अभियान के दौरान इस टनल को खोज निकाला है, जिसका वीडियो भी इजराइल की सेना की तरफ से जारी किया गया है। IDF ने दावा किया है कि शिफा अस्पताल के परिसर में हमास की सुरंग मिली है। IDF का दावा है कि यह सुरंग 55 मीटर लंबी और करीब 10 मीटर चौड़ी है। इस सुरंग का इस्तेमाल हमास अपनी आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए करता था। सुरंग के अंदर एक सीढ़ी, एक ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा और एक फायरिंग होल भी है, जिसका इस्तेमाल इजराइल की सेना के हमलों को रोकने के लिए किया जाता था। इसी सुरंग के पास पिछले हफ्ते हथियारों से भरी एक गाड़ी भी जब्त की गई थी। फिलहाल इजराइल की सेना सुरंग के रास्ते का पता लगाने में जुटी है। हालांकि इजराइल की सेना के इस दावे को हमास ने सिरे से खारिज कर दिया है। हमास के प्रवक्ता का दावा है कि वो टनल वहां पहले से मौजूद है, पर हमास का उस टनल से कोई वास्ता नहीं है। हमास के प्रवक्ता का कहना है कि अस्पताल में उनका कोई आदमी नहीं है। لم يتحدث عن نفق، زعم ان هذا المشفى كان مركز قياده وتحكم واداره وسيطره، بمعنى ان هذه المساله اكبر بكثير من مجرد نفق. اين ذلك؟ لا يوجد شيء من ذلك، ليس لاننا نخفيه بشكل صحيح. हमास भले ही इजराइल के दावे को खारिज कर रहा है, लेकिन ये बात साबित हो चुकी है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के हमलों से बचने के लिए शिफा अस्पताल का सहारा लिया। और जब इजराइल की सेना ने शिफा अस्पताल पर हमले शुरू किए तो इसका प्रचार इस तरीके से किया गया जिससे दुनिया में लगे कि इजराइल की सेना ने अस्पताल को भी निशाना बनाया है। इजराइल की सेना ने शिफा अस्पताल में सुरंग के दावे के साथ साथ एक CCTV फुटेज भी जारी किया है। ये CCTV फुटेज 7 अक्टूबर का है, जिस दिन हमास के लड़ाकों ने इसराइल के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था। इसराइल की सेना का दावा है कि हमास के आतंकवादी बंधकों को शिफा अस्पताल के अंदर लेकर गए थे, जिसमें थाईलैंड और नेपाल के सिटीजन भी शामिल थे। The world must remember, Hamas is holding the elderly, men, women, children, babies hostage. The Israel Defense Forces has a moral obligation to bring everyone of our hostages home. We will not rest until we do. Hamas was hiding and murdering our hostages in Shifa Hospital. गाजा के अल शिफा अस्पताल को लेकर सामने आए सच के बाद इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र और WHO पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं
IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि गाजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल में मरीजों को रोक कर रखने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इजरायल की ओर से अल-शिफा अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन इजरायल की सेना का आरोप है कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संगठनों ने अस्पताल न खाली करने की जिद ठान ली, जिसके बाद इजरायल की सेना ने अल-शिफा अस्पताल को घेर कर उसके अंदर एंट्री की और एक घंटे में अस्पताल खाली करने का फरमान सुना दिया। Requested for several weeks now that the hospital be evacuated, and unfortunately the different organizations did not deem it possible, and today we proved again that it is possible. जिस अस्पताल को ढाल बनाकर इजराइल पर हमले कर रहा था और उसी शिफा अस्पताल पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है और दावा किया जा रहा है कि इजराइल वहां मौजूद मरीजों को खाना और पानी मुहैया करवा रहा है। हमास के खात्मे के साथ इजराइल का टारगेट इस वक्त बंधकों की सुरक्षित रिहाई करवाना है, जिसके लिए इजराइल की सेना ने हमास पर हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए हैं। और इजरायल ने उत्तरी गाजा में करीब करीब हमास के सभी ठिकानों को तबाह करने का दावा कर दिया है। लेकिन हमास और इजरायल में सबसे बड़ी जंग अभी गाजा के अस्पतालों में जारी है, क्योंकि अब इजरायल की सेना ने अल-शिफा अस्पताल के दो नए वीडियो जारी कर दिए हैं। और आपको आगे बताते हैं कि किस तरह से इजरायल की सेना ने अपने जारी वीडियो में ये बताया कि अस्पताल के 10 मीटर नीचे हमास का 55 मीटर लंबा सुरंग यहाँ मौजूद है। अब इजरायल ने अस्पताल में सुरंग होने का दावा करते हुए कैमरे से शूट किया हुआ वीडियो तक भी जारी कर दिया है। इसके अलावा इजरायली सेना ने एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया और अस्पताल में हमास का ठिकाना होने का बड़ा दावा किया। एक वीडियो के जरिए इजरायल की सेना ने यह बता दिया कि हमास के आतंकी बंधकों को अस्पताल के नीचे ले गए थे। हालांकि पहली बार हमास ने अस्पताल में सुरंग होने की बात कबूली, लेकिन वहां अपना ठिकाना होने से साफ इनकार कर दिया।